हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ व्लॉग। अगर आपको एक अच्छा फन व्लॉग चाहिए भले अगले वीडियो में आ सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी अ मैसेज। तो कल हज़ारों की तादाद में मुंबई के सड़क पे आए टू स्टूड अप फॉर व्हाट दे बिलीव एंड वी बिलीव आई बिलीव दैट वी डोंट सपोर्ट द कैब बिल। रीज़न इज प्लेन एंड सिंपल। हम बचपन से सब मिलजुल के बड़े हुए हैं, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। तो आज क्यों ऐसा बिल पास हुआ जहाँ पर लोगों को बोले नहीं भाई आप लोग वापस जाओ, आप लोगों के पास सिटीजनशिप हम नहीं देंगे, और जो बाहर है हिंदू है जो लोग जो भी हैं उनको बोल रहे भाई हम आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, हमारे पास इतनी जगह है, जॉब है भाई यहाँ पर, यहाँ जो लोग हम पड़े हैं वहाँ पर लोग, हम लोग के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, और बाहर से लोगों को इंडिया में बुलाना, डज इट रियली मेक सेंस गाइज? लाइक थोड़ा शांत होकर सोचो। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट में इतना हेट, इतनी नफरत आ गई है कि कल मुझे वसीम अपने उन कुछ दोस्तों के चैट्स बता रहा था जो उसके एक ऑफिस में हुआ करते थे, और हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे हैं कि भाई तू निकल हमारे कंट्री से। लोगों को एक्सक्यूज़ मिल गया है ये सब झगड़ा करने का, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, बिकॉज ऐसा ऑलवेज है कि लोगों की दुनिया ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, और ये चीज़ एक एक्सक्यूज़ की तरह से आया है, चलो लड़ते झगड़ते हैं। क्यों, क्या हो रहा है यार हमारे हमारे देश में? आई वाज टॉकिंग टू अ बॉय फ्रॉम आसाम एंड ही वाज लाइक सिचुएशन बहुत ख़राब थी, आज ही इंटरनेट आया है, एंड ही वाज लाइक कि क्यों इंडिया नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया को अलग कर देता है। नहीं भाई, जो लोग आसाम से देख रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, प्लीज़ इंडिया कोई अलग नहीं करता। मैं मानता हूँ मीडिया में या फिर न्यूज़ में शायद नहीं बताते इतना जब तक एकदम यहाँ तक नहीं आता, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया वी लव्स यू। यू गाइज नॉर्थ ईस्ट ईस्ट आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव सो, वी लव टू ट्रैवल देयर, वी लव टू एक्सप्लोर दैट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आर कंट्री। ऐसा मत सोचो। कमिंग टू द पॉइंट, आई डोंट सपोर्ट द कैब बिल, और जो लोग इसके फेवर में है कि नहीं हम सपोर्ट करते हैं, सी यू हैव योर ओन राइट्स। आप, मैं आपको रोकूंगा नहीं उसको सपोर्ट करने से, लेकिन एक बार अपने आपको पूछो कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ यार, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, ये ऐसा था, चीज़ें तोड़ी, ये तोड़ी। देखो बस एक बात बताता हूँ, आज इंटरनेट की दुनिया में ना कुछ दिखा के मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है? कल मैंने अपने आँखों से विटनेस किया कि लोग आए, मेरे में जोश आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हिम्मत आई है मेरे में कि बॉस नहीं अभी तो ये वीडियो बनाना चाहिए। डर रहा था पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बॉस, कि जो मैं देख रहा हूँ क्या सही क्या गलत, ये वो। लेकिन एक चीज़ में मैं श्योर था कि भाई ये बिल्कुल तो मैं सपोर्ट नहीं करता। आप जो मुस्लिम लोगों को अलग किया है, दैट इज सो रॉन्ग यार, दैट इज प्लेन एंड सिंपल रॉन्ग। आप बिल्कुल सपोर्ट करो नहीं करो यार, दैट इज प्लेन एंड सिंपल रॉन्ग। हम यार, मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं आपके, आई एम प्रिटी श्योर जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ये वीडियो देख रहा है आपका एक भी मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं हो। आपको क्या बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है उन लोगों के जो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है? अब ना मैं बहना बंद करता हूँ, बस ये वीडियो का मतलब यही था कि आई डोंट सपोर्ट द कैब बिल। किसी को बुरा लगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट नो, आई विल स्टैंड अप फॉर माई कंट्री एंड वी इंडियंस बिलीव, मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिलीव एटलीस्ट, कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। जय हिंद।